लियो। दोस्तों लगभग पौने तीन घंटे की ये मूवी होने वाली है और जब मूवी का सेकंड हाफ आता है तो सेकंड हाफ में आपको इतनी ज़्यादा लंबी मूवी ये लगने लगेगी, आप ये सोचोगे कि भाई इस पर्सन के पीछे ही इस मूवी को पूरा इतना खींचा क्यों गया है। हालांकि चीज़ें जल्दी रिवील हो सकती थी, बट दोस्तों आपको एक्शन आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा, स्क्रीन प्ले भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा, सिनेमेटोग्राफी भाई साहब कमाल की है और थालापति विजय ने जो काम किया है वो आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है। बस ये है कि मूवी की कहानी बहुत ही ज़्यादा लंबी है, आपको सेकंड हाफ में बहुत ज़्यादा लंबी फील होगी ये मूवी। और अगर मैं बात करूं कहानी की तो कहानी भी इतनी ज़्यादा कुछ खास इंटरेस्टिंग मुझे नहीं लगी। हाँ फर्स्ट हाफ को जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, जिस तरीके से एक कैफे वाला सीन जो दिखाया गया है और उसके अंदर जो एक्शन होता है वो आपको भाई साहब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है। और जो सेकंड जो लक्कड़ बग्घे का कमाल दिखाया है, यानी कि वो जो लक्कड़ बग्घा और कैफे चलाने वाला वो इंसान, उन दोनों की जो आपको केमिस्ट्री देखने को मिलेगी वो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। और मूवी का जब क्लाइमैक्स आएगा तो वो आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि उसमें आपको बहुत ही फाड़ू लेवल का एक्शन देखने को मिलने वाला है। और एंडिंग में दोस्तों आपको और भी ज़्यादा मजा आएगा। मूवी जब एंड होगी तो आप ये मत सोचना कि मूवी खत्म हो गई और आप उठ के घर निकलने लगो। मूवी की एंडिंग में ही आपको एक ऐसी चीज़ देखने को मिलेगी जिसमें आपको सच में ही शॉक लगेगा। बाकी दोस्तों अगर मैं बात करूं मूवी की कहानी की तो मूवी की कहानी में आपको देखने को मिलेगा एक इंसान जो कि अपने परिवार के साथ में हिमाचल में रह रहा होता है और वो अपनी जिंदगी को चलाने के लिए एक कैफे चला रहा होता है और उसी से उसका घर बार चल रहा होता है। लेकिन एक दिन उसके कैफे के अंदर कुछ अजीबोगरीब आदमी अटैक कर देते हैं और साथ ही पीछे से कोई बहुत बड़ा माफिया गैंग होता है जो कि एक इंसान की तलाश में है। अब आगे क्या कुछ होगा और आखिर वो कैफे वाला इंसान कैसे इन चीज़ों को फेस करेगा और क्या कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल के आएगी, ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको देखनी होगी ये मूवी। दोस्तों देखो मूवी का फर्स्ट हाफ मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि उसमें आपको बहुत ही फास्ट फास्ट चीज़ें चलती हुई नजर आएगी। लेकिन जब सेकंड हाफ आएगा तो भाई सेकंड हाफ को बहुत ही ज़्यादा लंबा खींचा गया है। हालांकि जिस पर्सन को ढूंढा जा रहा है उन चीज़ों को लेकर थोड़ी सी लेंथ इसकी छोटी हो सकती थी, बट कोई नहीं दोस्तों, अगर आप थालापति विजय के बहुत बड़े वाले फैन हो तो आप इस मूवी की तरफ जा सकते हो। इस मूवी के अंदर जो आपको एक्शन देखने को मिलेगा उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया, यानी कि एक्शन आपको बहुत ही फाड़ू लेवल का देखने को मिलने वाला है। और मुझे BGM भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। मैं इस मूवी को रेटिंग करूंगा 7/10। तो आप जब इस मूवी को देख लोगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा आपको इस मूवी का कौन सा सीन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।